अस्सलाम वालेकुम गाइस, खुश आमदीद सादे किचन डायरी में। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक हूँ। और व्यूवर्स, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं की, उसके पीछे काफ़ी बड़ी रीज़न थी। कुछ रीज़न्स मतलब छोटी मोटी थी और कुछ बड़ी ज़्यादा थी। मेरे पास माइक्रोफोन नहीं था। एक्चुअली माइक्रोफोन के बगैर आपको पता वीडियो अपलोड मतलब वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो खैर व्यूवर्स, मेरे पास पहले एक बोयो का था, वो बोयो का ना ऐसे एक लॉन्ग वायर वाला था मेरे पास, तो उसका बड़ा अजाब था व्यूवर्स। कभी मेरे पाँव में फंस जाता था, सम टाइम मेरा कैमरा गिर जाता था। बड़ी बार ऐसा हुआ कि मेरा फ़ोन नीचे गिरा और एक दो मेरे फ़ोन भी ऐसे टूट गए। तो ये बड़ा अजाब होता है व्यूवर्स। आपके पास अगर माइक्रोफोन अच्छा नहीं ना, तो आप तो व्यूवर्स भूल जाओगे वीडियो आप बना सकते हो। अगर आप व्लॉगर्स हो, आप टिकटॉकर्स हो, आप यूट्यूबर्स हो, तो ये चीज़ आपकी बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बड़ी ज़रूरी है आपके लिए। मेरी और आपकी और हम सब की बड़ी एक ख़ास ज़रूरत और मेन ज़रूरत है जी व्यूवर्स। वो क्या है जी? यह है जी बोया लिंक। ये मैं कुछ दिन पहले व्यूवर्स गई थी इधर ना, ऐसे ही मतलब लाहौर जाना था मैंने, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक मुझे माइक्रोफोन भी ले लेना चाहिए। तो मैं फिर एक शॉप पे गई, तो वहाँ पे जी मैं तो अपना माइंड एक बना के गई थी कि 3-4 हज़ार का कोई लूँगी तो बस ठीक है। खैर जो माइक्रोफोन है वो तो अच्छा ही होना चाहिए, तो मुझे था कि अच्छा हो जाए, मिल जाएगा 5-7 हज़ार का, 10 हज़ार का। खैर वक्त चेंज हो गया है व्यूवर्स, टाइम चेंज हो गया, माहौल चेंज हो गया, तो पैसे की वैल्यू डाउन हो गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो उसके लिए जी व्यूवर्स मैंने क्या किया कि मैं शॉपकीपर से ऐसे कह रही थी कि भाई मुझे कोई अच्छा सा कोई माइक्रोफोन दिखा दें, तो उसने मुझे ये बोया लिंक का दिखाया। तो खैर व्यूवर्स, बिस्मिल्ला करके हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका बॉक्स कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं, बड़ा ब्यूटीफुल सा केस है इसका। अब हम इसको ओपन करेंगे इसका बॉक्स, और ये जिसके अंदर से 2 पैकिंग्स निकली हैं। ये वाली जो पैकिंग्स है व्यूवर्स, इसके अंदर ना ये है जी इसका पाउच, बड़ा ब्यूटीफुल सा, बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने पाउच दिया है। ये देखें, इसके ऊपर भी बोया लिंक लिखा हुआ है, ये देखें, ये उन्होंने पाउच दिया है, ये साथ वायर दी है। ये वायर आगे चल के दिखाऊंगी कि ये किस काम आनी है। ये साथ उन्होंने यूज़र मैनुअल दिया है। अगर तो आप समझदार हैं तो आपको यूज़र मैनुअल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा फिर आप रीड कर लें। तो चलें जी व्यूवर्स, अब हम करेंगे जी इसको माइक्रोफोन को इनबॉक्स। ये देखें जी, ये कुछ इस तरह की इसकी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी पैकिंग है व्यूवर्स। ये देखें, हर जगह पर बोया बोया लिखा हुआ है। तो इसको हम जी ऐसे एक बार बटन को प्रेस करेंगे तो ये हमारी 4 लाइट्स इंडिकेट हो जाएंगी। इसका जो मकसद है वो ये है कि इसकी चार्जिंग अभी फुल है, इसकी कोई 30 डेज़ जो है ना, आई थिंक बैटरी टाइमिंग है, आप 30 दिन जो है ना इसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते अगर आपने एक बार फुल इसको चार्जिंग कर लिया। तो फिर भी इधर से ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और ये जी उन्होंने 2 साथ व्यूवर्स माइक दिए हुए हैं। ये देखें व्यूवर्स, मैं ना ऊपर से टैग नहीं उतारती, बस पियानो शेप में उन्होंने दिए हुए हैं ये माइक्स, बड़े प्यारे, ऊपर बोया लिखा हुआ है। और मैं स्टिकर लगा दूंगी वापस, क्योंकि व्यूवर्स मैं थोड़ी सी भूखी हूँ इन मामलों में। तो खैर व्यूवर्स, ये उन्होंने 2 माइक्स दिए हुए हैं, मैं थोड़ी एक्सेसरी बता दूँ आपको। और ये उन्होंने साथ सीवर दिया हुआ है, सीवर भी सेम है, लेकिन इसके साथ ये अटैच्ड है, इसकी जो एक हुक होती है वो चले उसका भी मैं आपको तरीक़ेकार बताती हूँ। ये व्यूवर्स उन्होंने साथ दिए हुए हेड कैट्स, इनको पॉम पॉम भी आप कह सकते हैं, हेड कैट्स भी कह सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, 2 दिए हुए हैं। और इनको जी फिक्स करना है इधर, ये देखिए माइक वाली साइड पे। ये बेसिकली उन्होंने दिया होता है विंडी के लिए, या जैसे कि बाहर मतलब के बारिश हो रही है, या फिर जो मतलब जैसे कि होते हैं न्यूज़ चैनल वगैरह वाले, उनके लिए ये ज़्यादा यानी कि यूज़ के लिए है, मतलब बेटर उनके लिए साबित होगा, क्योंकि उन्होंने बाहर जाके हर तरह के मौसम में जाके शूट करना होता है, वीडियोस बनानी होती हैं। तो ये जो है ना हेड कैट्स, ये बेसिकली उनके लिए हैं। सेकंड व्यूवर्स, उन्होंने 2 हुक्स दिए हैं यहाँ पर, ये अटैच्ड जो होते हैं। ये देखें व्यूवर्स, एक उन्होंने दिया सीट है कनेक्टर, इसके नीचे मैग्नेट दिए हुए हैं यहाँ पे जी, जो एरो का निशान है इसके अंदर भी मैग्नेट होंगे, हम जैसे रखेंगे ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। तो ये व्यूवर सीट ऐप है। और ये वाला व्यूवर जो है ये आईफोन के लिए है। और ये वाला जो व्यूवर्स है ना, ये जो इसके साथ ऑलरेडी अटैच्ड है, ये साथ एक ब्लू कलर का उन्होंने बटन दिया हुआ है, इस बटन को आप पीछे करके प्रेस करेंगे तो ये आराम से आपका ये वाला अटैच्ड हुक निकल जाएगी।
यहाँ पे फिर आप कोई भी जो आपके फ़ोन को सपोर्ट कर रही है वो लगा सकते हैं, अगर आपके कैमरे को अटैच्ड कर रही है तो वो आप लगा सकते हैं, और सबसे जो इसकी मेन चीज़ है वो है ये नॉइस कैंसिलेशन के साथ आया है। तो जैसे हम लगाएंगे तो ये भी बड़ा फिक्स हो जाएगा। ये देखें, इसको ज़रा अच्छे से आप लगाएंगे तो ये बड़ा इजीली ना हो जाएगा। एक मेन चीज़ भी वर्ड्स उन्होंने दी है, चार्जिंग के लिए आपको इसकी जगह सेट नहीं करनी पड़ेगी। ये मैग्नेट है और इधर इसके अंदर गोल्डन से उन्होंने मैग्नेट लगाए हैं, आप जैसे रखेंगे ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह बना लेगा। ये देखें जी, ये तो व्यूअर्स कुछ हो गई जी, इसकी जो मतलब खासियत थी वो मैंने आपके साथ बयान कर दी है, और कुछ चीज़ें अब मैं आपको बताऊंगी व्यूअर्स। जैसा कि अब मैं मतलब के जिस दिन मैं लेके आई ये वाले माइक्रोफोन्स, उस दिन ये हुआ कि मेरा जो फ़ोन है वो ना मतलब इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा था, इसके साथ ना मतलब क्या इसको कहूँ कि अटैच नहीं हो रहा था। तो मैं बड़ी परेशान हुई, कभी मैं सीट ऐप लगा रही थी क्योंकि हुक तो इसकी सीट ऐप थी, ये देखें, कभी सीट ऐप लगा रही थी और कभी ये लगा रही थी, तो ये इसके साथ ना अटैच्ड ही नहीं हो रहे थे। तो मुझे यानी कि यही लगा कि हमारे साथ ना धोखा हो गया, शॉपकीपर ने बड़े ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, ये कोई है 25 के राउंड अबाउट ना 1000 के। तो मैंने कहा उसने बड़ा यानी कि फ्रॉड कर दिया है, तो हम तो मतलब जाहिर सी बात है मेरे साथ फ्रॉड हो गया। खैर बड़ी परेशान थी बैठी बैठी बैठी, बाद में ऐसे मैं चेक कर रही थी तो मैंने इसको हल्का सा लगाया ना जैसे, तो इसको ना ये थोड़ा सा कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद ना दोबारा फिर लगाया, फिर कोई ना, फिर बाद में मुझे समझ आई कि इसके लिए हुक मुझे न्यू बाय करनी पड़ेगी। ये आप देख रहे हैं ये हुक, ये कैमरे को लगेगी, ये मेरे फ़ोन को भी लग सकती है। खैर ये थोड़ा सा इसका पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा था तो ये थोड़ा छोटा था, तो मैं फिर बाज़ार से लेके आई तो फिर मैंने इसको ऐसे अटैच्ड किया, माइक वाली साइड इधर माइक बना होता है ऐसे मैंने अटैच्ड किया और मैंने अपने फ़ोन के साथ लगाया, तो सीवर को मेरे जी माइक्रोफोन्स जो हैं व्यूवर्स वो कनेक्ट हो गए। तो चलें ये तो कनेक्टिविटी है, फिर भी वीडियो नहीं बन रही थी। उसके बाद एक और बड़ा मुझे मसला पेश आया बाद में, फिर मैंने शॉपकीपर को कॉल की, उसको मैंने कहा भाई आपने ये किया है, मेरा तो फ़ोन अटैच नहीं हो रहा। उसने कहा आप एक ऐप होती है ओपन कैमरा ऐप ये वाली करके देखें, तो फिर आपके जो ये बोया के बोया लिंक जो इसके हैं माइक्स वो फिर जाके कनेक्ट होंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने सेम वही किया, मैंने फिर जाके इसको सेम वही अटैच किया, तो ये जी वही मतलब ऐप की और फिर जाके अटैच्ड हुई। अब तो ये तो होगी जो मेरा मसला हुआ था, क्योंकि ये मसले कुछ ना कुछ 90% लोगों के साथ होने वाले हैं, क्योंकि ये बोया लिंक के जो माइक्रोफोन्स हैं ये न्यू वर्जन है, और हमारे पास जो फ़ोन है वो बड़े कम लोग हैं जो फ़ौरन से नया फ़ोन लेते हैं और हर मतलब कहते हैं कि चलो एक दो साल हम निकाल ही लें, क्योंकि आजकल कोई कॉम्प्लेक्स तो रहा नहीं मोबाइलों में, तो जितने एंड्रॉयड फ़ोन है तकरीबन सेम ही हैं। तो चलें जी ये तो एक बात इसकी होगी। अब जी हम इसको करते ऑन, ये देखें व्यूअर्स, ये उन्होंने ना ऑन का बटन दिया हुआ है, सॉरी आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये ऑफ है ये ऑन का बटन है, इसको मैं ऐसे व्यूअर्स प्रेस करूँगी, ये देखें ब्लू लाइट इंडिकेट होना स्टार्ट होगी, इसका मतलब है कि सीवर बंद है, ये ब्लिंक होती रहेगी। अब हम ये जो है इसका सीवर इसको ऑन करेंगे, स्टॉप हो गई, तो यहाँ पे मेरी नॉइस कैंसिलेशन जो है वो ऑलरेडी ऑन थी। अब मैं इसको क्या करूँगी, ये माइनस और प्लस वाला जो आवाज़ वाला बटन है ना दोनों को प्रेस करूँगी तो नॉइस कैंसिलेशन मेरी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये तो जी इन दोनों को अटैच करने का हो गया। नॉइस कैंसिलेशन ये होती है कि अगर आपके पीछे मतलब कोई आवाज़ें आ रही हैं लोगों की, तो वो जो है ना उनको बंद नहीं करेगी। जैसे शोर आएगा बड़े लोग समझते हैं, जैसे कोई भी मतलब आप ग्राइंडर चला रहे हैं कुछ भी आप कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ें पीछे आएंगी। अभी मैं आपको चेक भी करवाऊँगी। और इसकी रेंज भी वर्ज इतनी है कि आप ना मतलब के जब जाएंगे ना फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मीटर की दूरी पर, तुम कैमरा आपका 100 मीटर आपसे दूर लगा हुआ है, तो ये सीवर और माइक आपस में अटैच्ड रहेंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये आपस में एक दूसरे को यानी कि ऐसा मतलब ये इनका रابطہ ख़त्म हो जाएगा। अब मैं व्यूअर्स ये जो सीवर है इसको अपने कैमरे के साथ लगाने लगी हूँ। अगर आप कैमरे के साथ वीडियोस बनाते हैं तो फिर आपका जो जो मैंने आपको दिखाया था तो वही लग जाएगा ये जो है कनेक्टर। तो फॉर एग्जांपल मोबाइल के साथ लगाना है, हो सकता है आपके मोबाइल के साथ वही कनेक्टर लग जाए, नहीं लग रहा, सीट ऐप भी लग सकता है कोई भी, आईफोन के लिए तो कोई मसला ही नहीं, उसके लिए तो यही अटैच्ड होना है, क्योंकि हमारे घर में एक आईफोन भी है, उसके साथ मैंने अटैच किया तो फ़ौरन ही यानी कि उसने कलेक्ट कर लिया था। तो चलें जी अब यहाँ पर हम नॉइस कैंसिलेशन ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पास लेके आऊँगी ग्राइंडर, ग्राइंडर लेके आके आपको चला के दिखाऊँगी। अभी ये हमारा
जो है ना ऑन है। अभी नॉइस कैंसिलेशन मैंने ऑन नहीं की, अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो बोया के जो माइक है उसमें से मतलब मेरी आवाज़ आ रही है। अभी मैं वीडियो यहाँ पे करूँगी स्टॉप और उसके बाद मैं लेके आती हूँ ग्राइंडर और आपको अभी चला के दिखाऊंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ग्राइंडर तो ले आई हूँ, तो अब ना हम देखते हैं कि इसका हमने अब करना क्या है। अभी नॉइस कैंसिलेशन मैंने ऑन नहीं की, अभी ना मैं इसको ऑन करूंगी, लेकिन उससे पहले एक मेन चीज़ आपको बताती हूँ व्यूवर्स, आपने ना जब भी बोलना है ना और पीछे कोई आवाज़ें वगैरह आएंगी, माइक अपने अपने थोड़ा क्लोज रखना है, तो वो चला दें ज़रा। अभी जी ये नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है, अभी आपके सामने ग्राइंडर चलेगा तो आवाज़ें आ रही हैं। अभी एक्चुअली होता यह है कि जब हम रूम में होते हैं ना तो कोई भी चीज़ हम चलाते हैं तो आवाज़ें ज़्यादा आती होती हैं। अभी नॉइस कैंसिलेशन मैं ऑन करने लगी हूँ तो ये देखें लाइट जो है ना वो ग्रीन हो चुकी है। तो अभी पीछे ग्राइंडर चल रहा है, अगर आपको थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही है तो उसके पीछे मेन रीज़न ये होगा कि रूम में है तो आवाज़ें ज़्यादा गूंजती होती हैं। जैसे हम बाहर जाके बनाते हैं या हम पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पे सारी आवाज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाती होती हैं। तो ग्राइंडर अब हम बंद कर देंगे और अब इसकी ना कुछ और जो है स्पेशलिटी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलें व्यूअर्स, अब मैं आपको एक मेन चीज़ इसकी बताती हूँ। अभी ना ये जो इसकी लाइट है ना ये ग्रीन है, तो जब ये वाला इंडिकेटर यानी कि जो ग्रीन वाला है ये रेड होगा ना, तो इसका ये मतलब होगा मैं जितना मर्जी बोल रही हूँ ना मेरी आवाज़ें पीछे आएंगी नहीं, ये म्यूट हो जाएगा। ये देखें जैसे ही हम एक यानी कि इसकी रेड ब्लिंक होगी लाइट, उसका मतलब है पीछे से म्यूट है, तो जितना मर्जी आप बोलेंगे आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। तो ये तो था जी रिव्यू, इसका रिव्यू नहीं तो मैं आपको एक एडवाइस कर रही थी कि ये बड़ा ज़बरदस्त इसके जो हैं ये माइक्रोफोन्स हैं, दो लोगों के लिए हैं, टू पर्सन है तो आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी मज़े की डिवाइस मुझे तो लगी है, आप भी इसको लाजमी ट्राई करें। जो कि चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि थोड़े बहुत इशू होंगे, उन आपने डरना नहीं है, यानी कि जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैं कोई गलत चीज़ ले आई हूँ, इसकी कुछ ऐप्स होंगी या फिर आपको कोई इसके कनेक्टर जो है ना वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो व्यूअर्स, इसके नीचे उन्होंने मैग्नेट लगाए हुए हैं, हम जैसे ही इनको रखेंगे इनकी ऑटोमेटिकली जगह बन जाएगी, फिर हम इनको निकालेंगे तो इनकी जो है मतलब बड़ा ईजिली चार्जिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी लगाने के साथ। तो चले व्यूअर्स, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, मेरा चैनल सादे किचन डायरी को सब्सक्राइब करें और लास्ट में मैं आपको इसको पैक करके भी दिखा दूँगी।